आज मैं चिकन फ्राई राइस की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो, वेलकम टू बैक सगीरा बानो चैनल। आज नए वीडियो के साथ आगाज़ करते हैं। चिकन फ्राई राइस बनाने के लिए 1 बाउल बॉयल राइस ले, 1 बाउल चिकन बॉयल ले और इसके बाद गार्लिक जिंजर को स्मॉल चॉप कर ले, रेड चिली 1 स्पून, टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर 1/2 स्पून, साल्ट टू टेस्ट, नमक अपने हिसाब से डालें, अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और मैजिक मसाला पाउडर 1 स्पून लें और टमाटो 1 टमाटो और 1 ओनियन को स्मॉल चॉप कर लें। 1 बाउल बॉइल राइस लें, 1 टमाटो और 1 प्याज को बारीक, 1 बाउल बॉइल चिकन लें, जिंजर गार्लिक को बारीक चॉप कर लें, 1 स्पून रेड चिली पाउडर ले, साल्ट टू टेस्ट और 1/2 स्पून हल्दी पाउडर ले और 1 स्पून मैजिक मसाला पाउडर ले। गैस पे कढ़ाई रख ले, कढ़ाई में घी डाले और घी को अच्छी तरीके से गर्म होने दे। घी गर्म होने के बाद प्याज और टमाटो को इसी के अंदर डालें। इसके बाद इस मिश्रण को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इसके बाद इसी मिश्रण में चॉप जिंजर गार्लिक डालें। इसके बाद स्मैश चिकन इसी मिश्रण के अंदर डालें। इसके बाद इसी मिश्रण को अच्छी तरीके से 1 मिनट तक मिक्स कर लें। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, मैजिक मसाला पाउडर इसी मिश्रण के अंदर डालें। इसके बाद इस मिश्रण को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिश्रण मिक्स होने के बाद बॉईल किए हुए राइस को इसी मिश्रण के अंदर डालें। तकरीबन 2 मिनट तक मिश्रण को मिक्स करके अच्छी तरीके से सेट कर ले और कवर करके 5 मिनट के लिए रख ले। इसी मिश्रण के अंदर छोटा 1 स्पून विनेगर डालें, ऑप्शनल है।